भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडीएम वित्त व राजस्व विधान जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सहित कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात एडीएम फाइनेंस विधान जायसवाल ने बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। चल थोड़ा आप लोग और आगे आ जी। परम पूज्य संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी की 128वीं जन्मोत्सव पे ऐसे संविधान निर्माता ऐसे व्यक्ति के जन्मदिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनको हमारे संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे संविधान ने एक कानूनी रूपरेखा ही नहीं बनाई है, सामाजिक रूपरेखा ही बनाई है। हर देश का संविधान एक तरीके से उसका कानूनों का कानून होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो पूरे देश की किस तरह से शासन प्रणाली है उसको बताता है। लेकिन हमारा संविधान, भारत का संविधान, एक मायने में थोड़ा सा अलग है। उसके साथ ही साथ एक जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, इसकी बात करता है कि समाज में ऐसे वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनको किस तरीके से आगे लाया जाए, किस तरह से सरकार शासन की नीतियों को तैयार किया जाए, बनाया जाए, ताकि उसका भी उत्थान हो सके। अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए, जैसा हमारे संविधान में है, इक्वलिटी फॉर ऑल। और इस संविधान को बनाने में अपने आप में अनुप्रेरणीय है, किस गरीब पृष्ठभूमि से होते हुए भी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा जारी। एक ऐसे समय में जहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल था, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जबकि लोग इस बात की फिक्रमंद हुआ करते थे कि किस तरीके से हम अपने परिवार के लिए, खुद के लिए दो दिन की रोटी इकट्ठा कर पाए, उस समय में एक पिछड़े, एक दलित, एक गरीब परिवार में जन्मे हुए भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्त करना, बड़े कॉलेज में जाना, परंतु विदेश में शिक्षा हासिल करना और इस स्थिति तक पहुंचना कि उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप, उनके जीवन एक तरीके का उदाहरण है जो हमें प्रेरणा देता है। कोई भी गरीब हो उसकी गरीबी मायने नहीं रखती है, मायने यह रखती है कि किस तरीके से उसके सामने जो अवसर है उसको बनाए और अवसर पैदा करें। भीमराव किताबों में और जैसा उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने जाते थे, एक वो जो अन्य वर्गों के लिए थे, एक वो जो पानी खत्म हो जाता था दिन भर, वो
भूखे प्यास से प्यास से प्यास लगी रहती थी, पानी उनको नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वो पसंद नहीं करते थे उसको जो है